नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो कि हमारे जितने भी नए भाई बहन हैं जो कि अगरबत्ती या फिर सामरानी कप का बिजनेस करना चाहते हैं, तो वह जानना चाहते हैं कि अगर हम जीएसटी नंबर लें तो उनके लिए बेनिफिट रहेगा या फिर नहीं रहेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ यानी जीएसटी नंबर लेने के फायदे और नुकसान क्या क्या हैं, और अंत में दोस्तों मैं आपका अपना जो ओपिनियन है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों जान लीजिए जो जीएसटी को कैसे डिफाइन किया जाता है। दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से कहते हैं, बहुत लोगों को इसकी फुल फॉर्म पता होगी। तो दोस्तों, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं इसके सीधे सीधे जो बेनिफिट हैं दोस्तों वो आपको बताना शुरू करता हूँ, कि जो कि मैंने पूरी रिसर्च के साथ में दोस्तों मुझे मेरा खुद का अनुभव भी है। तो वो दोस्तों पॉइंट एक एक देखते जाइए और सुनते जाइए। दोस्तों, सबसे पहला जो इसका पॉइंट है कि सेल गुड्स टू अदर स्टेट, यानी अगर आप जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो इसका दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है कि अगर आपका जो गुड्स है, मतलब तैयार अगरबत्ती है, सामरानी कप है, या फिर दोस्तों कोई भी अगर आप बिजनेस करते हैं किसी भी चीज़ का, मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेडिंग करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जीएसटी के आधार पर दोस्तों अपना जो माल है दूसरे स्टेट में सप्लाई कर सकते हैं। बिना जीएसटी नंबर के दोस्तों अदर स्टेट में सप्लाई नहीं होती है। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है अगर आप अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मेरा जो तैयार माल है दूसरे के उसमें स्टेट में जाए या फिर किसी और जो मतलब दूर दूर तक दोस्तों सप्लाई हो, तो आपको दोस्तों जीएसटी नंबर लेना फ़ायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, ये इसका था पहला बड़ा, सबसे बड़ा बेनिफिट कि अगर आप जीएसटी नंबर लेते हैं तो जो अपने दूसरी जो स्टेट हैं अपने स्टेट के अलावा, तो दोस्तों वहाँ पर भी आप माल सेल कर पाएंगे। आइए दोस्तों दूसरा बात करते हैं, जो दूसरा बेनिफिट है इसका कि जो जितने भी दोस्तों हमारे केमिकल रेट हैं, केमिकल जो टैक्स है, सॉरी रेट नहीं टैक्स, तो वो दोस्तों 18% की कैटेगरी में आते हैं अभी तक जो है, तो उन पर 18% टैक्स लगता है। और जो हमारे जो जितनी भी धूप बत्ती, सामरानी कप, अगरबत्ती दोस्तों, इनके पे हम माल तैयार कर देते हैं तो यानी फिनिश गुड्स पे दोस्तों 5% टैक्स लगता है। तो अगर आप कोई भी आप केमिकल खरीदते हैं, परफ्यूम खरीदते हैं, ठीक है, और 18% पर खरीदते हैं और दोस्तों 5% पे सेल करते हैं, तो दोस्तों आपको एक तरह से सीधा सीधा जो 13% है उसका एक तरह से नुकसान होता है। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो आप एक बार जीएसटी नंबर ले लेंगे, जब बिल बनाएंगे तो बिल बनाएंगे तो दोस्तों आप जो 13% का जो रिफंड है आपको सरकार दे देगी, यानी आपको जो 13% का जो नुकसान होता है माल को तैयार करके सेल करने में, तो दोस्तों वो नहीं होगा। तो इसका दोस्तों दूसरा बड़ा जो बेनिफिट है यह यही था कि आप हमने केमिकल खरीदते हैं, परफ्यूम खरीदते हैं, डीपी खरीदते हैं या और भी जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं दोस्त, जो भी 18% के कैटेगरी में आते हैं, या फिर हम दोस्तों बॉक्स खरीदते हैं अगरबत्ती के, पाउचेज खरीदते हैं, तो ये 12% के कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों, अगर हम तैयार माल करके 5% के सेल पे हम करते हैं, तो हमारे को जो अगर हम 12% तो भी हमारे को दोस्तों 7% को हमारे को नुकसान होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपना 5% पे बिल काट के तो जो आपको 7% का जो रिफंड है वो गवर्नमेंट दे देती है। तो दोस्तों, दूसरा बड़ा फायदा था अगर आप जीएसटी नंबर लेते हैं तो। अब दोस्तों यहाँ पर लिख रहे जो तीसरा जो बेनिफिट है वो है क्या है, बाय गुड्स फ्रॉम एनी वन टू एनी फ्रॉम स्टेट, मतलब आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, जीएसटी नंबर लेने का तीसरा बड़ा फायदा यह है कि आप जो अपनी स्टेट के अलावा किसी तीसरे स्टेट से भी दोस्तों, दूसरे स्टेट से भी दोस्तों माल जो इजीली मंगवा लेते हैं। तो वैसे तो दोस्तों जो माल जो है आप बिना जीएसटी नंबर के भी मंगवा सकते हैं, पर कई बार क्या होता है क्योंकि आधार कार्ड और पैन कार्ड पे माल कई बार जो ट्रांसपोर्ट होती हैं वो बुक कर लेती हैं, तो कई बार क्या होता है दोस्तों, कई ऐसी ट्रांसपोर्ट होती हैं कि वहाँ पर जो आधार कार्ड और पैन कार्ड से दोस्तों बुकिंग की जो फैसिलिटी नहीं होती है, तो वो जो बिना जीएसटी नंबर के जो माल को बिल्कुल ही बुक नहीं किया करती हैं। तो क्योंकि क्या कई बार क्या होता है, जो जीएसटी नंबर होता है दोस्तों वो एक तरह से माल का वैलिड प्रूफ होता है, और वहाँ पर क्या होता है कि जब हम किसी से माल मंगवाते हैं जीएसटी नंबर देते हैं, तो दोस्तों उसको भी माल भेजने में कोई हेजिटेशन नहीं होती है। अगर बिना जीएसटी नंबर के दोस्तों माल एक बार भेज दिया जाता है, और बीच में दोस्तों एक बार गाड़ी अगर खुल जाती है, किसी भी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी खुल जाती है, तो दोस्तों सबसे पहले जिनके बिल पे जीएसटी नंबर नहीं होता है, तो सबसे पहले उसका माल भी चेक वहीं पर होता है। और अगर आप दोस्तों कुछ ऐसा माल मंगवा रहे हैं जो कि टैक्स बचा के दोस्तों माल मंगवा रहे हैं, तो आप सबसे बड़ा नुकसान आपको वहीं होगा दोस्तों, वहीं पर आपका माल पकड़ा जाएगा, तो आपको डबल भी जुर्माना पर भरना पड़ सकता है। तो ये दोस्तों इसका तीसरा बेनिफिट है, अगर आप जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो आप बिना रोक टोक
ऑल ओवर इंडिया से ही दोस्तों कहीं से भी कुछ भी चीज़ परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों इधर चौथा बड़ा जो सबसे बड़ा जो फायदा है वो देख क्या है कि अगर आप कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो उसका दोस्तों जो रिफंड है आप एज ए अपने बिजनेस में ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों मान लीजिए आपने एक मोबाइल ख़रीदा, तो मोबाइल पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि 12% टैक्स है, ठीक है। आप दोस्तों उसे अपने फर्म के नाम से ख़रीदेंगे जिस पे कि जीएसटी नंबर होगा, तो आप अपना जीएसटी नंबर वहाँ पर देंगे। तो अगर आप 5% का दोस्तों सेल करते हैं, जैसे अगरबत्ती सेल करते हैं या फिर आप धूपबत्ती सेल करते हैं या सामरान कप सेल करते हैं, तो दोस्तों उस पर 5% का क्या होता है, बिल काटते हैं। तो जो बाकी का जो 7% है, यानी दोस्तों आप अगर सेल करेंगे यानी 5% की आपकी खरीद है और 5% की आपकी जो सेल है, तो दोस्तों अगर आपने सेल ज़्यादा करी तो आपको जो एक्स्ट्रा 5% है वो भरना पड़ेगा। तो एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको मोबाइल का बताया, आप मोबाइल का आपने ख़रीदा 12% का, दोस्तों उस पर आपको टैक्स पे किया आपने, और दोस्तों आपने एज ए बिजनेस के तौर पर यूज़ करते हैं, तो दोस्तों सभी लोग करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं एज ए बिजनेस के तौर पर यूज़ करते हैं, तो उसका जो रिफंड है यानी जो 12% माइनस 5%, तो जो 7% का दोस्तों जो रिफंड है आपका एक तरह से सरकार की तरफ हो जाता है और सरकार दोस्तों उसे पे करेगी, यानी आपको जो फालतू के जो एक तरह से बिल जो है उसको जो पे करना पड़ता था दोस्तों आप उससे भी बच सकते हैं। तो काफ़ी दोस्तों बड़ी बात है, अगर इसकी गहराई में जाऊँगा दोस्तों काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप इतना समझ लीजिए दोस्तों अगर आप कोई भी बाहर से चीज़ खरीदते हैं, इवन आपने एक कंप्यूटर ख़रीदा, ठीक है, आप उन्हें अपने फर्म के नाम से ख़रीदा, तो दोस्तों आप उस पर दिखा सकते हैं अभी मैंने कंप्यूटर अपने फर्म के नाम से ख़रीदा, तो दोस्तों अगर आप सेल करते रहते हैं तो जो उसका जो 18% है तो उसी 5% में से दोस्तों लेस होता रहेगा और उसका बिल कटता रहेगा। तो आपको जो एक्स्ट्रा दोस्तों सेल करके जो आप टैक्स पे करते हैं तो वो आपको फाइल करने की ज़रूरत, मतलब एक्स्ट्रा जो टैक्स है वो भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे दोस्तों इसके 4 बेनिफिट। अब आइए बात करते हैं दोस्तों इसके जो डिसएडवांटेज है वो क्या क्या, मैं आपको बता दूँ। तो दोस्तों अगर आपका बिजनेस 40 लाख से नीचे है और दोस्तों अगर विद इन ए स्टेट आप डील करते हैं, यानी आप आपकी जो दुकान है यानी या फिर आपका जो लोकल बिजनेस, तो आपको दोस्तों किसी भी तरह का जो एक तरह से जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आपका सिरदर्दी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आपकी इतनी सेल भी नहीं है तो ये क्या होता है कि अगर आप बाहर भी सेल नहीं करना चाहते हैं, चलिए लोकल तो आपकी सेल है, अगर आप स्टेट माल बाहर नहीं भेजना चाहते हैं तो क्या होता है कि एक तरह से आपको जो जीएसटी है लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो मेरी सलाह दोस्तों आपको यहाँ पे कि आप जीएसटी नंबर यहाँ पे ना लें। दूसरा दोस्तों इसका जो यहाँ पर डिसएडवांटेज है यहाँ पे क्या होता है, या तो आपको मंथली रिटर्न फाइल करनी होती है या फिर आपको जो क्वार्टरली जो यहाँ पर जो रिटर्न फाइल करनी होती है, तो दोस्तों ये इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि आपको हर महीने जाना पड़ता है या फिर आप 3 महीने में जाते हैं तो आप जीएसटी नंबर जीएसटी की जो रिटर्न होती है वो आपको फाइल करनी होती है। तो ये थे दोस्तों इसके 2 एडवांटेज जो कि मैंने आपको बताया, मैंने एडवांटेज भी बताई आपको और मैंने आपको डिसएडवांटेज भी बताया। अब दोस्तों मेरा जो ओपिनियन है, ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या क्या सजेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास में है और मेरा बिज़नेस दोस्तों छोटा भी है और मिडिल लेवल का बिज़नेस, ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है। तो मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि जीएसटी लेने से अगर आप क्या फ़ायदा है। दोस्तों मेरा माल कई बार क्या होता है आउट ऑफ स्टेट जाता है तो मेरे को जीएसटी का बिल काटना पड़ता है, तो यहाँ पर मेरे को जीएसटी होने का फ़ायदा है। दोस्तों कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जब बाहर मेरा माल नहीं जाता है तो मेरे को जीएसटी नंबर लेने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरा व्यापार है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, कि मेरा काम बिना जीएसटी के भी चल सकता था, क्योंकि अगर बाहर के ऑर्डर नहीं आते हैं, ठीक है, तो मेरा विदिन लोकल ज़्यादा सप्लाई है। तो क्या होता है कि जीएसटी लेना दोस्तों कोई अगर आपका बिजनेस छोटा है स्टार्टिंग लेवल पे, तो दोस्तों आपको जीएसटी नंबर लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। आशा करता हूँ दोस्तों आपके छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में आपका और भी कुछ जीएसटी के बारे में सवाल है तो दोस्तों पूछ लीजिए, और हाँ इस तरह के दोस्तों अगर वीडियो आपको और भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों नीचे जरूर रिप्लाई कर देना, मैं और भी इस तरह के यूज़फुल इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो यानी जो आपके आपके बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं तो मैं और भी बना दूंगा। और हाँ दोस्तों चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑल बटन भी प्रेस कर दें, क्योंकि दोस्तों धूपबत्ती अगरबत्ती या फिर दोस्तों और भी जितनी भी अर्निंग से जुड़ी जितनी भी जानकारी है मैं इस चैनल पर आपके सामने दोस्तों शेयर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों एक और ही ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद।